بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تاریخ میں اللہ کے لیے درود و سلام محمد رسول اللہ नहीं बदलता।
क्योंकि आदतें खराब थी इंसानों की, खामिया की दी हुई तालीमात को बदलने की आदतें बड़ी हुई थी, इसलिए सरकार ये जानते थे और सरकार को अल्लाह ने बता दिया था कि कोशिश तो करेंगे इंसान कि इस आखिरी दिन को भी बदला जाए। इसलिए हमने अपने इल्म इरादे से ये तय किया है कि हम तुम्हारी आज के जरिए इस दिन को बरकरार रखेंगे। आशना दीन के वो है, दूसरा नहीं हो सकता। दूसरे दूसरे रास्तों से आए ये तुम्हारी गोद के बजे यही सही दीन को पसंद कर सकते हैं और यही सही दीन को चला सकते हैं। और इस सूरत हाल में मुश्किलें बहुत आई, इसलिए कि इस दफा जितनी ताकत से दीन आया था इतनी ताकत से कोई नबी दीन को ला नहीं सका था। कदमी मतबत की दात इतनी ताकतवर थी कि एक तब से इंसानों के दिमागों पर वो दीन छा गया और सरकार की शक्तियत छा गई। तो जिसके फोर्स और ताकत के साथ दीन आया था उतनी ही ताकत के साथ दुश्मन को खड़ा हुआ और उसने भी कमर कमजोरी से नहीं बांधी बल्कि उसने मजबूत कमर बांधी और बराबरी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। तो अब जाहिर है कि उसके लिए या तो जिस तरह सरकार ने मुकाबला किया था कि जंगे लड़ी जाएं और आसमान से दुर्प्रकार आए के तालाब हो, तो अब उसके दिफा के लिए, उसे बचाने के लिए, उसके तहफ़ के लिए या तो सरकार के पास बदल लड़ी जाए, ओहद हो, फिर खंडक हो, फिर खैबर हो, फिर हुनैन हो, तलवार चले, दुर्प्रकार चले, कत्ले आम हो, अली जैसा बहादुर मैदान में आए, उनके टोके जाए, पूरे दुनिया में फिर से इंकलाब लाया जाए, इसलिए कि दीन को मर्द किया जा रहा था। लेकिन अल्लाह ने अपने इरादे से तय किया कि एक ऐसा रास्ता अपनाएंगे कि दुश्मन को ये पता ही नहीं चलेगा कि कैसे तहफ़्ज़ हो गया। दुश्मन ये समझ रहा था कि बादे नबी जब हम इस दीन का मुकाबला करेंगे तो जो बचाने वाले हैं वो तलवार चलाएंगे, वो हमसे जंग करेंगे, हम अक्सरियत में हैं, हम उनको मार लेंगे। लेकिन अल्लाह ने कहा चुप बैठ जाओ, ना कोई लड़ाई होगी, ना कोई जंग होगी, ना तलवार निकाली जाएगी, उनको अपना काम करने दो। हमें भरपूर बार ऐसा करेंगे कि सब तहस नहस हो जाएगा, इनकी सारी ताकत की हवा निकल जाएगी। हमारे यहाँ उस आखिरी बार का नाम है कर्बला। दुश्मन को ये पता नहीं था, वो अपने कमरे में था, वो समझता था कि अगर किसी कैदी चलाने वाले को जल से उखाड़ के फेंक दिया जाए तो वो सब खत्म हो गया। वो इसी उसूल के तहत अपने गांव में कर्बला में आए और उन्होंने सब खत्म कर दिया और वो खुश हो गए कि हमने सब खत्म कर दिया, हम तो कुछ बचा ही नहीं, बच्चे बच्चे को मार दिया, तो खत्म कर दिया। अल्लाह ने चाहता था कि तुम अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा कर लो और फिर देखो हम क्या करते हैं। और फिर एक बार उसने हमें हुसैन को एक ताजिया ने इबरत बनाकर सौ में समाता चला। शुरू में तो लोग समझे नहीं कि ये क्या, शुरू में तो नहीं समझे कि ये क्या है। उनका भाई ठीक है, एक बेटा बच्चा है वो घर में बैठा हो रहा है, हम तो कामयाब हो गए, हम अपना काम करते रहेंगे, सल्तनतें बनती रही, अरब वाले हुकूमतें बनाते रहे और मुतमईन हो गए। अब नबी के घर में कोई ऐसा हारी नहीं जो हमसे तब का मुकालबा करे, अब इनमें ताकत भी नहीं है, अब इनके यहाँ दूसरा अली पैदा नहीं हो सकता, तो आके हमसे लड़े, लश्कर बनाए, तलवारें जलाए,
अपने काम में मशगूल थे और यहाँ खामोशी के साथ लोग घरों में बैठे रो रहे थे। किसी को ये पता ही नहीं कि ये खामोश लश्कर बन रहा था। फिर उसके बाद ये लश्कर समंदर की तरह निकल पड़ेगा और ये बनियों भैया की सल्तनत गिर गई और वो हुसैन के आंसुओं में डूब गई और हजारों के मातम में उनके बाजे जो थे वो मरता पड़ रहे। उनके नंगाल खाने खामोश हो गए, मातम की आवाज बुलंद हो गई। अब ये जरूर है बनी अब्बास ने अजादारी को सहारा बनाया अपनी कामयाबी के लिए और उन्होंने काले झंडे बुलंद किए और खूब चीख चीख के रोना शुरू किया, हाय हुसैन हाय हुसैन। खूब अजादारी की और इस बहाने से बनी मैया को सुरमा बना के माँ के दर्शन के सपनों को बिठा के जिस्मों को खाक बना के हिम्मत बना ली। पता चला बहाना था, अजादारी को बहाना बनाया था सल्तनत का। अल्लाह खामोश रहा और उसने कहा कि ठीक है इस बहाने से अजादारी बढ़ तो जाएगी लेकिन तुम्हारा बोझ भी भूल जाएगा। फिर उनका बोझ भूल गया और उन्होंने फिर अजादारों को कल करना शुरू कर दिया। कल तक खुद अजादार थे और पकड़े उठाए फिर कोई ना जाए उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे, जो करबला जाएगा उसके हाथ पैर कट जाएंगे, जो मजबूर करेगा उसे मार दिया जाएगा। अजादार जानते थे कि यहाँ से दो हिस्सों में तकसीम हो रही है, पहली असल अजादार और हैं और ये बादशाह और हैं। इनको ये बताना है कि अजादारी बादशाही से नहीं चलेगी, अजादारी तख्तोताज से नहीं चलेगी। ये एक अवामी तहरीक है और अवाम में ये इस तरह गायब हो जाएगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तक के अजाबू ने आगे बनी अब्बास के तब को ताराज कर दिया और बनी अब्बासियों का नामो निशान न रहा। जैसे अब्बासियों ने बनी उमैया की कब्रें कदम की थी, हलाकू ने आके इनके भी जिस्मों को कदम कर दिया। न किसी की कब्र है न किसी का मकबरा है, दुश्मन न रहा अजादारी है। बहादुर था, इंसानों को मारता काटता था लेकिन वो तहरी को समर्थन को नहीं जानता था। लेकिन ये है कि वो एक सल्तनत छोड़ गया। ऐसा ऐसा होता है और दायरे के मंगोल में रहने वाला एक नई जबान यहाँ अरब बगदाद में आया, यहाँ अरबी बोली जाती थी, वो चाइनीज बोलता था वहाँ से आया था। ना इनकी जबान समझे ना अपनी जबान समझा सके, लेकिन होता क्या है पहली नस्ल में ऐसा होता है कि फूट फूट में बातचीत हो ही जाती है, दूसरे पूरे लफ्जों जब आती है उस माहौल को जल्दी से भूल करके। देखेंगे भाई पाकिस्तान बना, कैलिफोर्निया अलग 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 थी, सबकी पहचान थी ये सिंधी है ये पंजाबी है ये बोलिया है ये पठान है ये फलाने हैं ये लोच हैं ये कोटे के हैं ये पिशावर के हैं ये वहाँ के हैं ये वहाँ के हैं। कराची एक ऐसा शहर बना कि सब इधर आ गए उसी कमाने नौकरी पढ़ने के लिए और यहाँ जब के नौकरी की पैसे बनाए पंजाब का भी आया, सिंध का भी आया, कोटे का भी आया, आया वो भी आया सब आ गए और आ गए यहाँ पहचाने जाते थे ये वो हैं वो ये वो हैं ये वो हैं और महाजनों के साथ मिक्स हो गए। लेकिन यहाँ न सिंधी बोली जाती थी न पंजाबी न पश्तो न उर्दू बोली जाती थी। पहली नस्ल तो खत्म हो गई, दूसरी नस्ल आई, 60 साल गुजर गए पाकिस्तान को
अब जो बच्चे यहाँ पैदा हुए वो यहाँ के स्कूलों में पढ़े, मालियों के साथ रहे, उनकी बोली बोलने लगे, आप कोई पहचानता ही नहीं बच्चों को, इन बच्चों को बोला कौन है, पंजाबी कौन है, हिंदी कौन है, हम बोल रहे हैं, उनके बच्चे भी बोल रहे हैं, पता चला पहली नस्ल तो उखड़ उखड़ जाती है, लेकिन दूसरी नस्ल जो है कल्चर के दायरे में आकर उसी तरह लिबास पहनती है। आपको आया तो जंगल देता, लेकिन उसका बेटा खुदावंदा जो था वो अरबी भी बोलने लगा, इस्लाम भी समझ गया, शरीयत भी समझ गया, अज़ादारी भी समझ गया, हुसैन को भी जाने लगा, उसने पूरे बगदाद में अज़ादारी का एहसास किया। ये तो बहुत अच्छी चीज है। यहाँ जो मोहरम में सारे बच्चे काले कपड़े पहन लेते हैं, नारे हेल्दी लगाते हैं, पहन होता है, और जनाबे आदि चले जा रहे हैं, मातम हो रहा है, लंबे लंबे अलम नजर आ रहे हैं, सूखे अलम नजर आ रहे हैं, अलम उठाए जा रहे हैं। तो जो साथ रहते हैं दस ग्यारह महीने, वो सोचते हैं कि भाई हर मौके पर तो जोश का साथ दिया, अब जब मोहरम आया मिलता तो क्या छोड़ के चले जाए, ये काला पहने तो हम लाल कैसे पहने, मोहम्मद कैसे नौकर कर रहे, मोहम्मद न रहे। इसी से बहुत से इस्लामी डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरे पाकिस्तान में शब्देदारियां होने बच्चों का हाथ पकड़ पकड़ के गौरव नहीं कर सकते, तू यहाँ क्यों आया, तू जल तेरा काम भूलता है, उनका काम भूलता है, किसी के चेहरे भी एक तरह के, कपड़े भी एक तरह के पहने, अमल भी एक तरह का कर रहे हैं, तो कोई कौम वाला अपने बच्चों को इन मजबूत में ढूंढ नहीं पा रहा है, और कहते हैं हुसैन की अलगाई की ताकत, बच्चों के छाट छाट के बच्चों को अलग नहीं कर सकते, तो फिर ये कहेंगे किसी तरह इस अलगदारी को महदूद कर दो, महदूद कर दीजिए, ये कोई नई कहानी थोड़ी, इसमें कोई अलगदार परेशान थोड़ी हो, अरे आप कहीं महदूद कीजिए, तहखाने बनवा के वहां हमें लिखवा दीजिए कि यहाँ किया तो हम उसमें भी राजी, बात में कोई परेशानी होती नहीं, इसलिए हमने 1400 साल में अज़ादारी के इतने जमाने देखे हैं कि हमारे सामने पूरा नक्शा रहता है, पूरा नक्शा रहता है। पहले जमाने में साइंस कितनी तरफ की हुई थी, तो आटा पीसने की चक्कियां जो अब मशीनरी जमीन ये नहीं थी, उस जमाने में एक गोल लोहे का पत्थर होता था, उसको चक्की बोलते थे, उसके ऊपर एक बहुत पत्थर रखा होता था, उसमें बूटा लगा होता था, उसमें चूड़ा बीच में होता था, उसको घुमाए जाते थे और गेहूँ डालते रहते थे, गेहूँ डालते रहते थे, उसके दान में उस सारे से रहते थे, उसे भी घुमाते रहते थे, आटा पिसता रहता था, पिसता रहता था, तो उसमें इतनी आवाज़ होती थी, घर 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 घर, बड़ी तेज आवाज़ होती थी, तो भोपाल का नवाज होता था, उसमें पहले बैठा मुहाजदारी नहीं हो सकती थी, अब जो लोग रहते थे वो क्या करें, तो वो अंदर के कमरे में मजलिस करते थे और बाहर आटा पीसने की चक्कियाँ रहती थी, अंदर हो रहा या हो रहा है, कोई ऐसा माहौल नहीं है जिसमें हमने आज़ादी ना की हो, और कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ पाबंदी हो और वहाँ आज़ादी ना हो। बड़े तुम तरह में सऊदी बादशाह थे, लेकिन पहुंच गए वहाँ और वहाँ आज़ादी होती, कभी तलाश करें घूमे कहाँ क्या, ऐसे तरीके रखे हैं कि उनकी सी आई डी ढूंढी ही पाती है कहाँ मस्जिद हो, इसलिए वहाँ के नामे ये डाके रहे कि जब हज खत्म होता है सऊदी अरब में तो लोग हज का वलीमा अपने घरों पे करते हैं, तो घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी, गाड़ियों से पहचाना जाता है मजमन, अब वो हो रहे हैं वलीमे तो कुछ कह सकते हैं हज के वलीमे हो गए, या घर के बाहर अगर जूते चप्पल नजर आ रहा है तो हाँ यहाँ बहुत से लोग जमा हैं, वहाँ जमा होना मना है, लेकिन लोग वलीमे तो करेंगे, तो अपने दोस्त अहबाब को बुलाते
और मोहर्रम के ही महीने में वलीमे शुरू हो जाते हैं। पुलिस वाले आए, छोटे आए, समझे कहाँ गई वलीमा हो रहा है, अंदर या हुसैन हो रहा है। उसी आलम में संशयाती में बैठे भी अच्छा पड़ा और याद तो बड़े आराम से बैठे हैं और वहाँ तो जनाब बैठे बैठे थी कि घुटने से घुटना शाने से जाना इसलिए सारा मजलों पर जमीन रखता रहा है सोलियर अवस्था पढ़ने के लिए। सब ऐसे बैठे कि सुनना भाई अंदर ही बैठना है बाहर को जाना नहीं। तो मक्के में भी मस्जिद पड़ी, मदीने से भी पड़ी, हाजिए के मीना में भी पड़ी और पास में भी पड़ी और फिर सजीरे सूखे मैदान में। तारीख को एक तरफ है तो मैंने अपनी आंख से देखा कि कहां कहां कैसी अदाकारी हुई। हर मुल्क की सुना करता हूं, यदि यहां भी पहुंचा तो हैरान हो गया लीजिए साहब यहां तैयारियां हैं अदाकारी की। तो आप तस्वीर ही नहीं कर सकते कि कहां कहां कैसी अदाकारी हो रही है। यानी उसके लिए इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब वायरल बहुत आसान हो गया है। अब कंप्यूटर पे बैठिए और बन करते जाइए और गूगल पे लिखते जाइए चाइना की अदाकारी और गुजर। अरे छोड़िए इसके लिए वियतनाम की अदाकारी, जापान की अदाकारी, स्विट्जरलैंड की अदाकारी, जर्मनी की अदाकारी, रूस की अदाकारी, तुर्की की अदाकारी, सऊदी अरब की अदाकारी, अमारात, दुबई, शारजा की अदाकारी, बहरीन की अदाकारी, जिस मुल्क की अदाकारी कंप्यूटर से मांगो मिल जाएगी। अरे कंप्यूटर अदादार हो गए जो है वो करबला दिखा रहे हैं पूरी पूरा करबला का सहन देख लीजिए, हजरत अब्बास का सहन देख लीजिए, भाई सेटेलाइट लगा हुआ है, सेटेलाइट तो पूरी दुनिया को देख रहा है। तो हम तो सिर्फ अदाकारी ढूंढ रहे हैं, लोग जाने क्या क्या ढूंढ रहे हैं। आज कंप्यूटर से आपको पता चलेगा कि मैं अगर 1400 साल की कहानी अदाकारी की सुनाऊं तो आपको हैरत नहीं होना चाहिए कि जहां उन्होंने देखा यहां पाबंदी है, दूसरे शहर निकल गए, दूसरे मुल्क निकल गए, रास्ते करते करते उस जमाने में इतनी पाबंदियां नहीं थी, सड़कें खुली हुई थी, पासपोर्ट उधर निकल गए, इधर निकल गए, उधर निकल गए, इधर निकल गए, उधर निकल गए। आपको ख्याल मेरी तपाशा इसी तरह चलते थे अपने लश्कर लेकर, और सबसे ज्यादा उनके लिए जो एक्सेप्शन था वो हिंदुस्तान में था, चाहे वो काबुल का बादशाह हो, अफगानिस्तान का बादशाह हो, या वो ईरान पर या ईरान का बादशाह हो, उनका रुख इधर ही होता था हिंदुस्तान के रुख। इसलिए हिंदुस्तान में दो तीन चीजें बहुत ज्यादा थी और उसका चर्चा वो सुनते थे। एक तो हिंदुस्तान में सोना बहुत था, दकन में सोने की गाने थी और फिर दकन में ही अंदर से हीरे बहुत निकलते थे और बाद हीरे ऐसे थे जो दुनिया में कहीं नहीं होते, वो हिंदुस्तान में ही होते। जैसे कोहे नूर यहीं से निकला, कोहे नूर सबसे बड़ा बादशाह है नीलम का, तो नीलम भी निकलता है दक्कन में, जयपुर में यापुर भी निकलता है, यहाँ कितने नगीने और इसमें तो बादशाहों को नगीनों से दिलचस्पी, सोने से दिलचस्पी, निकल चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। 30 साल पहले से प्लान बनाते थे, उसकी तैयारी करते थे, लश्कर को तैयारी कराते थे कि भाई हमें अफगानिस्तान से निकलना है और फिर उसके बाद पंजाब और सिंध होते हुए हमको दक्कन की तरफ जाना है, यूपी की तरफ जाना है, बिहार की तरफ जाना है, हमला करना है, दिल्ली पे कब्जा करना है। एक बादशाह आया, दूसरा आया, फौजी आया, गजनवी आया, खानदान आया, सुल्तान आया, सुल्तान खानदान आया,
सब आते गए फिर भी खानदान आया, फिर मुगल आए, यहाँ तक के मुगलों का वानी तैमूर लंग कई साल पहले से प्लान बना रहा था कि हमें हिंदुस्तान में हम हमला जरूर करेंगे। और वो अपने उस्ताद की साहब के कहने पर चलता था, जो वो कह दें जो वो कह दें। तैमूर ने कहा मेरा ये इरादा है कई साल से कि मैं हिंदुस्तान को फटा दो। तैमूर लंग बहुत बहादुर था और किसी अलाकू खान के खानदान में था, मंगोल था। अब वो बिल्कुल साफ फारसी और साफ अरबी बोलने लगा था। अब वो जंगली नहीं नहीं की नस्ल कई सौ साल गुजर गए। जब तैमूर लंग का दौर आया तो सब पेटीवी हो गए, किताबें लिखी जाने लगी। कुछ तैमूर लंग ने अपनी जबान हयात लिखी तुर्की जबान में, कुछ के तैमूरी के नाम से मशहूर है, उसने उसने ये वाक्यात लिखे, खुद अपने हाथ से लिखे, अपनी जबान हयात में लिखता है कि मैंने अपने तीन साल से पूछा कि भाई कौन मेरी मदद करेगा, अगर अल्लाह भी मदद न करे तो क्या होगा। अजीब सवाल था। तीन साल ने कहा भाई देखो अल्लाह मदद से मुंह नहीं फेरता, और हम तुमको तैमूर लंग एक वाक्य सुनाते हैं। एक दिन हजरत अली मस्जिद कूफा में बैठे थे और हजरत अली ने कहा सलूनी, अब ये तीर जो है वो तैमूर लंग बादशाह को मिलता लिख कर खत में गिर गया। और जब अली ने कहा सलूनी तो लोग सवाल पूछने लगे। ऐसे में एक शख्स उठा और उठकर उसने कहा कि आज से कई हजार वर्ष पहले यूनान में सुकरात से एक सवाल किया था, उसके शागिर्दों ने सुकरात से पूछा था, अरे सुकरात ये बता कि आसमान से मौत के तीर चलने लगे और उन तीरों का रुख बंदों की तरफ हो, और तीर चलाने वाला अल्लाह हो, तो अब बंदे मदद के लिए किसको पुकारे, इसलिए कि मौत के तीर को अल्लाह चला रहा है और वो तीर मौत के हैं और बंदों को मरना है, अब अल्लाह ही तीर चलाए तो मदद को किसको पुकारे। तो सुकरात चुप हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए सवाल का जवाब सुकरात के पास नहीं था। जब मौला ने सलूनी कहा तो एक शख्स ने कहा कि सुकरात से ये सवाल हुआ था, यानी आप बताइए इस सवाल का क्या जवाब है। तो मौला जी ने फरमाया इस सवाल का जवाब तेरे घर में है। तेरा मौला घर में कहते हैं कि तू अपने माँ बाप जो हैं वही अपने बच्चे के सरपरस्त हैं, तू अपने बच्चे का सरपरस्त है। क्या तूने देखा कि जब गुस्से में तू अपने बच्चे को थप्पड़ मारना शुरू करता है तो वो भाग के पहनने वालों को मदद के लिए नहीं पुकारता, वो किसी और तरफ नहीं जाता, वो घबरा के छोटा सा बच्चा तेरी टांग से लिपट जाता है, तो बाप को रहम आ जाता है, वो फिर बच्चे को नहीं मारता, प्यार करने लगता है। अरे जब अल्लाह तला के तीर चलाए तो उसी की तरह भागो, वही मदद करेगा। बार बार सुना चाहिए इधर से तीर चले क्या कहने हैं। और यही होना नहीं सर, आजकल मुसलमानों का कदर के तीर चल रहे और पुकारो अल्लाह पुकारे वही मदद करेगा। के बाद समझ में आ गई कुछ करो फिर क्या करो। अब जब उसने हजरत अली का पूरा वाक्य पढ़ा तैमूर ने उस्ताद से खुश हुआ, तो उसने कहा उस्ताद फिर मैंने ये तय किया है कि मैं हिंदुस्तान पर हमला करने से पहले नजफ जाऊंगा, पूरा लश्कर लेके नजफ पहुंचे। उसने कहा यह है मौला जी की खबर। तो भाई यहाँ पर तो बहुत
जबरदस्त रोजा होना चाहिए कि तो खाली चार दीवारी और एक छत पड़ी हुई है भाई मौला जी का रोजा तो बागे मदीने तो जेल में उन सारे मेहमानों को हुक्म दिया तब मेरे यहाँ के बयान के अंदर अंदर बहुत बड़ा सा रोजा बन गया है और इसके दरवाजे सोने के बनाए गए और गुम्बद भी नजर का जो है वो सोने का बनाया गया तो रोजा बनवाना तहसीलदार ने शुरू किया और वही खैमा लगा के नजर में सोता था रात को सोया आपने देखा मौला जी आए तहसीलदार शिया नहीं है सुन्नी है मतलब का उसने कुछ लिखा है मैं हनफी सुन्नी हूँ खुद अपने हाथ से पेश कर मैं हनफी सुन्नी हूँ कहता है कि मैंने कहा आपने मौला जी को देखा तो मौला जी ने मुझसे कहा तैमूर तू हिंदुस्तान जा रहा है मैंने कहा मौला इलाका जो है आप मेरी मदद कीजिए कहा तू जाएगा और तू हिंदुस्तान को पता कर देगा लेकिन क्या मेरा ही पैगाम लेकर जाएगा तो तैमूर ने कहा क्यों नहीं मैं आपका पैगाम लेके जाऊँगा तैमूर कहता है मौला ने मुझसे एक रुमाल दिया एक रुमाल दिया और कहा इस रुमाल को ले देखिए इसके ऊपर दो शबीहें बनी हुई ये एक शबी जो बनी है ये ताजिया है और दूसरी शबी जो है ये जरी है मैंने मौला से पूछा ये ताजिया क्या है तो मौला ने कहा ताजिया ताजियत से है ये जैनब की हमारी की शबी है उनका नाम ताजिया है और ये जरिए जिले हुसैन के पौधे की शबी है जहाँ हुसैन की खबर है ये जरी है ये दोनों चीजें बनाना और बना के हिंदुस्तान में दाखिल होना वो कहता है मेरी आँख खुल गई सुबह मैं जब सो के उठा तो मैंने अपनी तकिया जो हटाया तो उसके पीछे वो रुमाल रखा अब जो मैंने उस रुमाल को खोला तो उससे खुशबू आ रही थी उसमें ताजिए की शक्ल भी बनी थी की शक्ल बनी थी मैंने तमाम लोगों को बुलाया कारीगरों को और मैंने कहा किसी तरह का इस ताजिया बनाओ सोने का और एक जरी बनाओ सोने की जब सोने की जरी और ताजिया बन गया उसको लेकर एक ऊंट पर एक अमारी रखकर उसमें ताजिया और जरी रखा और उस पर काले लदाख डाल दिए अब लश्कर के आगे आगे वो ऊंट चलता था जिसमें जरी और ताजिया था और लश्कर पीछे पीछे चलता फिर हिंदुस्तान फिर उसने हमला किया फाते हो गया फाते होने के बाद दिल्ली में दाखिल हुआ तो लोगों ने कहा तैमूर फता हो गया दारुल सल्तनत को हमने फता कर लिया अब क्या तू दिल्ली के कले में चलेगा वजीरों ने कहा तो उसने कहा मैं चलूंगा लेकिन जिस तरह मैं चलूंगा तुम सब मेरे साथ चलो अब जब वो चला तो सबसे उसने अपने ताल उतार दिया और पैरों से नालैन उतार दी एक कांधे से जरी रखी और एक से ताल दिया और दोनों को पकड़ के रास्ते से चला और पीछे पीछे सब नंगे पैर नंगे कर जा हुसैन कह के खले में दाखिल हो और जहाँ तख्त था जिससे बादशाह को बैठना था उसी तख्त पर उसने जरी भी रख दी और ताजिया भी रख दिया और फिर कहा अरे हिंदुस्तान के रहने वालों मैं हुसैन का पैगाम लाया हूँ जुल्म करने नहीं आया हिंदुस्तान में ताजिया आया और जरी और अजदारी होने लगी तैमूर के दौर से तैमूर बाहर निकला उसने और सूबों का भी दौरा किया जब दौरा करता हुआ जयपुर पहुंचा तो पता चला यहाँ मोहरम हो रहा है यहाँ भी ताजिया उठ रहा है बाजे बज रहे ताजी के साथ परमाशन भी हो रहा है और लंगर भी तकसीम हो रहा है और करने वाले सब हिंदू तो उसने कहा कि मैं पहली बार ताजिया लाया हूँ यहाँ तब से ये जयपुर में सब कुछ हो रहा है उन्होंने कहा यहाँ तो कई सौ साल से हो रहा है हमसे पहले यहाँ कैसे होने लगा तो लोगों ने बताया कि जब वाकई करबला हुआ तो चूंकि जनाबे सैयद सज्जाद की सगी खाला जयपुर में ब्याह कर आई थी जब उनको पता चला कि मेरी बहन का घर शहरवानों का उजड़ गया तो उन्होंने यहाँ मातम किया करबला वालों का जब से यहाँ आजादारी हो रही तो 1400 साल से मातम हुआ तो अरब वालों ने पाबंदी लगाई कि नहीं करने देंगे बोलिए वहां से निकली इराक से निकली ईरान से सरकारी निकली अफगानिस्तान से निकली केंद्र पंजाब होती
पूरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से बर्मा और फिर इंडोनेशिया और मलेशिया और हांगकांग और बैंकॉक, उधर पर टीचर ली गई। और इधर जनाब अरब वालों ने यह तय किया कि अगर अदादारी नहीं करने लोगे तो हम दूसरी जगह निकल जाएंगे। जब उन्होंने देखा अरब में अदादारी नहीं करने दे रहे, उन्होंने निकल के अदादारों ने मराकेश पे कब्जा कर लिया इमाम हसन के औलाद ने, और मराकेश में अदादारी होने लगी। फातमी ने जिद रुके, उन्होंने मिस्र पे कब्जा कर लिया और वहां के तख्त पे जाके बैठ गए। फातमी ने मिस्र जो इस्माइली थे, इमाम शादी के औलाद थे, उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा यहाँ सरकारी तौर पर मुहर्रम होगा, सबके घरों में काले झंडे लगे पूरे मिस्र में, और 10 दिन तक कोई जबिया नहीं होगा, गोश्त नहीं खाया जाएगा, कोई बिस्तर पे नहीं सोएगा, सबको जमीन पे सोना है, 10 दिन तक नंगे पैर चलना है, नंगे सर चलना है, और जहाँ हुसैन का सर रखा है वहाँ चल के आशूर के दिन मातम करना है। और इस तरह आजादारी होगी, कई सदी तक मिस्र में आजादारी होती रही, मिस्र से आगे बढ़ी, वो शाम जिसमें यजीद बैठा था वहाँ भी अदादारी पहुँच गई, तुर्की अदादारी पहुँच गई, और जितने अरब ममालिक थे सऊदी अरब वालों ने रोका तो और फैल गई, बहरीन तक गई। अदादारी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और वो जो बिजनेसमैन थे, तिजारत करने वाले थे, वो रहते थे समंदर के किनारे, वो कौन कहलाती थी इज्जत, ये दो इज्जत, इज्जत जो है वो हिंदी के जग से बना, जग जाट से बना है, इज्जत अरबी में। ये अदादारी के लश्कर में एक पूरा ऐसा रोल आया था हिंदुस्तान से कि जो अजत अली के साथ सिर्फीन में लड़ा था, और इनका एक अलग कैंप लड़ता था, ये बड़े बहादुर थे, तो ये दस कहलाते थे। ये लोग जो थे जब ये वहाँ से निकले मौला अली की शहादत के बाद, तो इन्होंने तय किया हम जो इजाज़त कूफे में सकते थे, क्योंकि अब कूफा तंग हो गया हमारे लिए और हम अली वाले हैं, तो हम ऐसी जगहों को इंतखाब करें जो समंदर के किनारे। तो उन्होंने मिस्र को, बम्बई को, और ऐसे बछरे को, बहरीन को, जो समंदर के किनारे जगह थी, तो वो एक पट्टी चलती चली जा रही है अफ्रीका से लेके और ईरान तक, जो समंदर के किनारे में कराची, ये सब बाद में यही जो खोजे के नाम से मशहूर हो गए। इनका काम ये था कि ये समंदर के किनारे इसलिए बिजनेस करते थे कि ये समंदर से मोती निकालते थे, यानी निकाले जाते थे उसमें से मोती निकलते थे, मोती का बिजनेस करते थे, मोती बेच के सच्चे मोती पैसा बहुत हो गया। फिर बाद में इन्हीं गोजे और गोरे बन गए, और यही घुस देने लगे, जब घूम देने लगे अदादारी और बढ़ गई, उन्होंने भी अदादारी बनाई, तो जो कराची में आबाद थे यहाँ अदादारी की, जो बम्बई में थे वहाँ अदादारी की, जो मिस्र में थे वहाँ अदादारी की, जो बछरे में थे वहाँ अदादारी की, यानी सारी ने समंदर से पूरी पट्टी पर अदादारी करते रहे करते रहे। जब अंग्रेज कराची में आए और ये कोई शहर नहीं था, और जब यहाँ पर एक अंग्रेज गवर्नर आया भी, तो उसने अपनी डायरी में लिखा था कराची के लिए कि ये छोटी सी बस्ती है और समंदर के किनारे से निभाते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये कराची बहुत बड़ा शहर बनने वाला है। वो डायरी में लिख रहा है कई सौ साल पहले, उसने लिखा कि भाई ये इतना बड़ा कराची हो जाएगा कि लोग देखेंगे कितना बड़ा शहर हो गया। तो आखिरी लफ्ज में लिखा, काश उस वक्त मैं कराची के सरदार, काश उस वक्त मैं कराची देख सकता। उससे अंदाजा होता है कि कराची था ही नहीं, उस इस बात से अंदाजा होता है कि काश मैं उस वक्त कराची को देख सकता, यानी आज का कराची को देख सकता। ये उसने लिखा, ये उसकी। लेकिन यही बस खारागर में जो बिजनेसमैन कहते थे, उन्होंने अदादारी शुरू कर दी। उन्होंने अदादारी कैसे शुरू कर दी, इसलिए उनकी आमद से पहले यहाँ पर किसी जगह पर अब्दुल्ला शाह गाजी का जिहाद हुआ था मनाने वाले बैठ, और वो यहाँ शहीद हुए और यहाँ उनकी कब्र बनी थी। तो वहाँ पर एक फकीर मलंग बन के कब्र पे बैठ गया था,
उसको पता था कि ये इमाम हसन की औलाद में है और वो कब्र की देखभाल करता था। एक दिन वो सो रहा था तो उसने ख्वाब में देखा कि किसी बुजुर्ग ने आगे कहा कि तुम जरा उठ कर जमीन तुम्हारे खत्म हो समंदर के किनारे एक बहुत बड़ी पल्ली कहीं से कहती हुई आ रही है, उसको उठा लेना, वो असल में अब्बास का आलम है। जब उसकी आँख खुली फिर तो वो गया समंदर के किनारे, उसने कहा बहुत बड़ी पल्ली कई गज की कहती हुई चली आ गई। जब वो किनारे आ गई उसको उठाया और भारी थी, उसको ले के वो आया और आकर खालत ने एक जगह पर काम दिया, उसने काला बच्चन लगा दिया, इसलिए उसको बशारत हुई थी अलम की, तो उसने अलम लगा दिया। यही अलम यहाँ पे लगा, बाद में पोर्टो ने बड़ा इमाम बड़ा खालत इसी जगह पे बनाया, वो अलम अब तक लगा है। तो चेहरा में ये अलम रखते थे, इसमें ये सिद्ध में ये दस्तूर था कि लोग अलम लगा के खिदमत की लोगों की, कि जब कोई रास्ता होता था और रास्ता बन जाता था कि इधर से कहां तक गुजरता है, तो वहां पर जिसके दिल में समाती वहां पे जाके ऊंचा सा अलम लगा के उसमें फहरा लगा देता, उस पर लिख देता था या हुसैन, और वहीं पर बहुत से मिट्टी के बर्तनों में खड़ों में पानी भर के अलम के किनारे रख देते थे और वहां पर कुछ बूटे रख देते थे ताकि जब काफला इधर से गुजरे क्योंकि सहरा है पानी मिलेगा नहीं, पानी का इंतजाम है नहीं, समंदर का पानी है खारा, तो जब इधर से गुजरे तो उन्हें पानी मिल जाए रुक के पानी पिए, लेकिन यहाँ तक आएंगे कैसे सहरा में कि यहाँ पानी रखा है। अलग इसलिए लगाया कि दूर से जब कारवां आए किसी भी मुल्क से उसको अलम लगा जाए, जब अलम देखते तो समझ जाते थे पानी वहाँ है, और जब वहाँ पहुँचते तो देखता करीब में तंदूर भी लगा है, रोटी भी पक रही है, खाना भी मिलाया जा रहा है, तो पुराने बाप ने जब गुजरते तब उनको ये मालूम होगा कि अलम से रिस्क मिलता है, पानी भी मिलता है और खाना भी मिलता है। अगर मैं इसी तरह आपको शाखें बताना शुरू करूं कि अजादारी की शाखें कैसे बनती गई और अजादार किधर किधर निकलते गए या उसमें करते हुए कहां कहां आबाद होते गए और कैसे वो बढ़ते गए और अजादारी बढ़ती गई, कि इतनी खामोशी से कुदरत ने काम किया कि दुश्मन देख न सका किधर से जा रहे हैं अजादार। ये इंतजाम उठता था, अरे हुसैन तुमने मेरा नाम ऊंचा किया मैं तुम्हारा इस्लाम में वो एक होने वाला था, एक होने वाला वो एक बचा था, उसको अल्लाह ने बचाया था और वो ईमान नहीं था, ईमान नहीं था उसको। जब हम कहते हैं आदिल ईमान तो काश जो सुनते हैं ये नाम आदि के ईमान यही तो जाने कि ये हुआ था। इसलिए 28 रजब को जब फासला निकला तो तीन बराबर के बहादुर सवार घोड़े पे सवार थे, एक अब्बास एक अली अकबर और एक सैयद शजा, दोनों में तीनों में पति ही था, ऐसे शजा जिला बख्तर पहने हुए कमर में तीनों तलवार लगाए हुए, आज पांच मोहर्रम है ना, तो पांच मोहर्रम को इमाम हुसैन ने ये देखा खैमे से जुड़ी थी, तो देखा कि खैमे से बहुत दूर जिधर दुश्मन का लश्कर है उस तरफ चुरास्ता जा रहा है, कर्बला में वहाँ एक शेर पहनता है कमर में तलवार लगाए सर पे कोट पहने लिस्तला तौर पर पहने लांबे सर का एक आदमी चौड़े शानी का शेर की तरह कह रहा है। इमाम हुसैन ने कहा अब्बास ये कौन है जो शेर की तरह कन्वर्जन लेता कर रहा है, उसके पास में कभी बड़े शानदार थे हुसैन कबूला बार मुला का बेटा सैयद मेरे साथ आओ, पहले मैंने देखी है और
समझाया और उसके बाद कहा कि प्रकाश से बताना चाहते हैं बेटा बात यह है कि जिहाद दो तरह का होता है, एक जिहाद अकबर और एक बाबा क्या है जिहाद अकबर जिहाद अकबर बेटा जिहाद अकबर ये है कि तलवार लेकर मैदान में जंग में जाए, अपना दिफा करे और अल्लाह के लिए जान दे दे और शहीद हो जाए, ये है जिहाद अकबर। ये है छोटा जिहाद। बाबा फिर जिहाद अकबर क्या है? जिहाद अकबर ये है कि जब मगलूब हो जाए और सब मार डाले जाए तो दुश्मन आता है और फिर उनके बच्चों और औरतों को अजीत कर लेता है। तो वो बच्चे और औरतें जो तौहीद के लिए काम करते हुए कैदी बनकर उनके कहते जाते हैं उसे कहते हैं जिहाद अकबर। बाबा समझ गया, लेकिन आपने मुझे ये बात क्यों बताई? तलाशी के लिए हम लोग करेंगे जिहाद अकबर, हम लोग कटा देंगे सर, तुमको करना है जिहाद अकबर, तुम्हें पैरी बन के जाना है और अपनी माँ बहनों और छोटियों को उनके सर देखना है। और ये सोचा था कि ऐसा सदमा हुआ कि तेरा उतार दी तलवार उतार दी उसके पास वो बिस्तर पे लेके तो फिर उठ नहीं उठ नहीं सके, यानी मुझे जिहाद अकबर करना है, मैं सर ना कटा पाऊंगा, मैं सर ना कटा पाऊंगा। इसलिए सिर्फ अली अकबर रह गए हुसैन का सहारा और आशूर के भी वही जवान बेटा आखिर से कह रहा था बाबा मुझे मैदान जंग की इजाजत दीजिए, माँ के रोशक हुए रोशक हुए अब तो कहने से निकलने लगे तो सही है लेकिन कहते ये जब अली अकबर रोशक हुए तो बीवियों ने इतना जिरिया किया इतना जिरिया किया कि उसकी शोर से सैयद सत्या स्पष्ट के बेदार हो गए और आग खुल गई और चौक करता फिरता इतना जिरिया क्यों हो रहा क्या हुआ क्या दुश्मन फैले में आ गया बिताने का नहीं आपका भाई अली अकबर रुखसत हो रहा है वो मरने के लिए जा रहा है और फिर पास काटते हुए उठे और कहा फिरता जला मेरा अचाला फिरता ने अचा दिया को पकड़ा और काटते हुए और एक बार एक हाथ से हटा और दूसरे हाथ से इशारा करके कहा अली अकबर ठहरो भाई से मिल के जा रहा अकबर मैं भी आ रहा पीछे 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 ऐसा पकड़े हुए अली अकबर। एक बार अली अकबर ने देखा कि भाई दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा है कांपता हुआ अली अकबर दौड़े और दौड़कर समाज से निकल गए छोटा भाई बड़े भाई से निकल गया और रोने लगा सैयद सच्चा को चूरने लगा उधर सैयद सच्चा रोने लगे और तस्वीर खत्म हो गई मेरे भाई आज अली अकबर का मुर्दा ले लो तो तुम्हें सुनो ज्यादा नहीं पढ़ूंगा तस्वीर खत्म हो गई। एक बार सैयद सच्चा ने रोकर कहा अली अकबर मुझे पता चल गया मामा ने बता दिया अब तुम जिंदा नहीं आओगे तुम्हें मार डाला जाएगा लेकिन भाई मैं जिंदा रहूंगा बाबा ने बताया है अब अगर कोई वसीयत करना है तो भाई से वसीयत कर लो कल दो वसीयतें हैं का बताओ अली अकबर भाई उन वसीयतों को पूरी करेगा का भैया पहली वसीयत यह है जब बाबा की कब्र बनाइएगा तो बाबा के पैरों की तरह कब्र बनाकर अली अकबर को दफ्त कीजिएगा ताकि पता चले कि गुलाम बाबा के पैरों के साथ रहता है। आज तक अली अकबर की कब्र हुसैन के पैरों के पास है। सैयद सज्जाद ने कहा दूसरी वसीयत क्या है का भैया मदीने ने सुग्रा से वादा किया था कि मैं लेने आऊंगा तो मदीने जाइएगा सुग्रा को गले से लगा के कहिएगा अली अकबर आना सका इसलिए कि बाबा नरवर आदम ने गिर गए अली अकबर अपनी जान हुसैन पर विचार कर गया सुग्रा अब अली अकबर